नमस्कार दोस्तों, मैं वैदेही मालविया कानपुर से मेरी छोटी सी हरी भरी बगिया में आप सभी का स्वागत है। सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों के मौसम में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हमारे बगीचे में आ जाते हैं और नर्सरीज़ में बहुत सुंदर सुंदर फूल मिलते हैं और आप चाहें तो उनको ख़रीद करके अपनी बगिया को महका सकते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आप कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स ख़रीदें और मैंने कौन कौन से ख़रीदे हैं। तो ये देखिए, ये है लीलियम का पौधा। ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसे एशियाटिक लिली के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए, ये है एस्टर का पौधा। ये मैंने छोटी छोटी पौध ख़रीदी है, ये 10-10 रुपए की पौध मुझे मिली है। और ये देखिए, ये है पैंसी। ये सभी फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं धूप में चलने वाले हैं। कुछ हैं जिनको कम धूप चाहिए, कुछ हैं जिनको फुल सनलाइट चाहिए। उसमें मैं डिटेल में वीडियो हर एक फ्लावरिंग प्लांट के बारे में अलग से बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल देखिए कि मैंने क्या क्या पौधे ख़रीदे हैं। तो ये देखिए, ये डॉग फ्लावर है, इसमें कई कलर्स हैं। ये देखिए, ये पिंक कलर है, ऑरेंज है, येलो है। ये देखिए, ये गुलदाउदी की डॉग वैरायटी है। और ये जरबेरा का प्लांट है, इसमें कलर कौन सा है ये अभी मुझे नहीं पता है इसका कलर, क्योंकि इसमें कलर नहीं, कोई फूल नहीं खिला था। और ये देखिए, ये वर्बीना है और ये पेंजी रखी है। ये वर्बीना के मैंने सारे कलर्स लिए हैं, वाइट है, रेड है, बेबी पिंक है, पर्पल है, वॉयलेट है, ये सारे कलर्स हैं। ये देखिए, ये गजानिया है, ये सब हाइब्रिड वैरायटी है। फ्रेंड्स, मैंने कुछ हाइब्रिड ली है, कुछ देसी भी ली है, मैं दोनों दिखाऊंगी। ये हाइब्रिड वैरायटी का गजानिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है गजानिया, हाइब्रिड वैरायटी का है। इसकी देसी वैरायटी भी है। ये सारे वर्बीना लगे हुए हैं, हर कलर का वर्बीना है ये। इसमें भी देसी हाइब्रिड दोनों आती है। मैंने देसी भी एक प्लांट लगाया है इसका, देखते हैं उसके फ्लावर कैसे आते हैं अब की बार। और ये वर्बीना बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है, इसको आप तेज़ धूप में रखिए। सभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को आप धूप में रखिए। तो इसमें से कुछ हैं जिनको कम धूप चाहिए, जैसे कि ये देखिए सिनरेरिया लगा हुआ है। ये हाइब्रिड वैरायटी का सिनरेरिया है। ये जो पॉलीबैग, ये जो बोरियों में जो छोटी छोटी लगे हुए हैं, ये सिनरेरिया के हैं, हाइब्रिड वैरायटी है। और एक ये मैं लेके आई हूँ, ऑरेंज कलर का मेरा गुलाब का पौधा है, इंग्लिश गुलाब है, लाइट ऑरेंज है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये डार्क मैरून कलर का है। ये डार्क मैरून कलर का गुलाब है। इतना सुंदर इसका कलर था कि मैंने सिर्फ कलर की वजह से ये प्लांट ख़रीदा। और डार्क मैरून कलर का ये गुलाब है, इंग्लिश गुलाब है ये, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था फ्रेंड्स। तो ये कुछ पौधे जो मैंने ख़रीदे हैं। इसमें मैंने आपकी बात दोनों वैरायटीज़ ली हैं, हाइब्रिड भी ली है, देसी भी ली है। और ये देखिए, ये बोगनविलिया है। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ इसके कलर की वजह से ये प्लांट ख़रीदा है। ये बोगनविलिया का है। इस मौसम में आप बोगनविलिया लगा सकते हैं सर्दियों में। तो ये देखिए, अब मैं इनकी रिपोर्टिंग भी करूँगी। और ये देखिए, ये हाइब्रिड विंका है फ्रेंड्स। इस मौसम में आपको हाइब्रिड विंका मिलेगा। और ये देखिए कितना सुंदर इसका पिंक कलर है। और ये वाला जो विंका है, ये मेरा वॉयलेट कलर है, डार्क वॉयलेट कलर है। इससे मैं इसमें कोई भी फ्लावर खिला हुआ नहीं है, और बड्स हैं लेकिन फ्लावर नहीं खिलाए, नहीं तो मैं आपको कलर दिखाती। बहुत ही सुंदर कलर है ये। और ये देखिए, एक ये मैं लेके आई हूँ वाइट, और उसमें पिंक कलर का डॉट है। ये सब हाइब्रिड विंका है, और ये हाइब्रिड विंका आपको इसी मौसम में मिलेगा। और ये देखिए, ये सुख शांति है। ये हालांकि मेरा लास्ट ईयर का पौधा है, इस साल मैंने नहीं लिया है। ये लास्ट ईयर का है, मैंने इसको सेव करके रख लिया था, तो इस साल फिर से ये बढ़ गया है। और ये मेरे कैलेंडुला है। कैलेंडुला मैंने एक बड़े से पॉट में कई सारे प्लांट्स लगा दिए हैं कैलेंडुला के। और ये देखिए, ये सिनरेरिया की देसी वैरायटी है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैंने DIY आपको बताया था, जो मैंने वेस्ट मटेरियल से आप पॉट्स बनाए थे, इसका वीडियो भी मैंने डाला था, उन्हीं में मैंने लगाया है। ये सब सिनरेरिया है, और इसके पौधे थोड़े बड़े बड़े होते हैं, और एक गुच्छा आता है इसमें फूलों का। और जो हाइब्रिड सिनरेरिया होता है, उसका पौधा छोटा होता है। ये देखिए, ये जो नीचे रखे हुए हैं, ये हाइब्रिड सिनरेरिया है। ये पूरा फूलों से भर जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पौधे बड़े होते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये डायंथस हैं। ये डायंथस मैंने इसी साल लिए हैं, और तीन डायंथस मैंने लिए हैं। ये वाइट, पिंक और ये थोड़ा रेडिश है। और ये लास्ट ईयर भी मैंने लिए थे, जो मैंने सेव करके रख लिए हैं। इसको आप पूरे साल रख सकते हैं, पूरे साल फ्लावरिंग करता है ये। ये देखिए, ये जो मेरे नीचे के ये तीनों हैं, ये मेरे पिछले साल के हैं,
इनको मैंने गर्मियों में सेव कर लिया था और फ्रेंड्स पूरी गर्मी इसमें फ्लावरिंग हुई है, जबकि मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया। पिछले साल ही जो मैंने इसको इसमें फर्टिलाइज़र दिया था वही चल रहा है। और ये देखिए देसी वैरायटी की ये पैंजी है, ये इसमें फ्रेंड्स पर्पल और येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं पैंजी के, जो देसी वैरायटी है। और ये मेरी कुछ छोटी छोटी पौध में लेके आई थी, ये ड्वार्फ वैरायटी का डहलिया है जिसमें छोटे छोटे ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं डहलिया के। तो ये देखिए ये मेरा एक स्टैंड जैसा है, लैडर जैसा, जिसको पेंट वेंट करने में यूज़ करते हैं, ये मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये छत पे ऐसे ही पड़ा है तो इसका कुछ यूटिलाइजेशन करते हैं इसका। तो मैंने इसमें कुछ हैंगिंग बास्केट्स लगा दी हैं और नीचे ये पॉट्स रख दिए हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल मेरे पास बॉटल्स थी छोटी छोटी, उनमें भी मैंने पेंट करके फ्लावर्स लगा दिए हैं। और ये देखिए ये मैं लेके आई थी पिछले हफ्ते बिगोनिया, और ये पिंक कलर का है, ये रेड कलर का बिगोनिया है। फ्रेंड्स इसको बिगोनिया को भी बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। ये कोलियस है, ये भी बहुत सुंदर पौधा होता है, इसमें फूल नहीं आते लेकिन इसकी पत्तियाँ ही इतनी खूबसूरत होती हैं कि इसको आप जो है अपने लगाइए गार्डन में। और देखिए फ्रेंड्स ये कटिंग से बहुत ईजिली लग जाता है और इन सबको कम धूप चाहिए। ये साल्विया है, इसको भी बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, हाँ लेकिन कम से कम 2 घंटे की धूप तो सभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 5-6 घंटे की, 5-6 घंटे की धूप भी चाहिए कुछ पौधों को, जैसे पिटूनिया गुलदाउदी वगैरह को, डायंथस वगैरह को। ये स्टॉक है, एक स्टॉक के लिए बहुत बड़ा गमला नहीं चाहिए, आप एक गमले में 2 पौधे स्टॉक के लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने ये डहलिया की पौध लगा रखी है फ्रेंड्स, ये हाइब्रिड डहलिया है और ये मुझे 8-8 रुपये की पौध मिली थी छोटी छोटी सी। तो मैं ज़्यादातर को अगर मुझे कोशिश करती हूँ, अगर मुझे पौध मिल जाती है तो मैं पौध ही लेकर के आती हूँ। और ये देखिए ये है देसी डहलिया, ये ड्वार्फ वैरायटी है, मतलब इसमें ढेर सारे फ्लावर्स निकलेंगे, छोटे छोटे निकलेंगे, सब देसी है। इसमें कुछ एस्टर के की पौध हैं और कुछ इसमें डेजी की पौध हैं, वो अभी बहुत छोटी हैं इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए ये अब ये ये डेजी है कि ये एस्टर है, मैं खुद कंफ्यूज़ हूँ अभी। ये वर्बीना की एक देसी वैरायटी है, ये देखते हैं इसमें कैसे फ्लावर्स आते हैं। वैसे वो बोल रहा था नर्सरी वाला कि हाइब्रिड में और देसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता वर्बीना में। ये मैंने मोरपंखी की जो कटिंग लगाई थी लग गई है मेरी, लगी हुई हैं जो है। तो फ्रेंड्स मैंने अब की बार देसी वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी दोनों ख़रीदी है। ये देखिए ये मेरा हाइब्रिड वैरायटी का गजानिया है, ये मेरी डहलिया की पौध है जो है, डहलिया की मैंने कई पौध लगाई हैं। ये मेरा पेटूनिया है, ये पेटूनिया मैं लेके आई थी। ये मेरा गुलाब है जो कश्मीरी गुलाब है, जो मैंने अभी कटिंग से तैयार किया है। ये मेरा येलो कलर का गुलाब है, ये मैं इसी अभी ही लेकर के आई हूँ इसको करीब 15 दिन पहले। और ये पिंक कलर का है, इंग्लिश गुलाब है, इसको भी मैं अभी ही लेके आई हूँ इसी सीजन में, मतलब लेके आई हूँ। और ये ग्लेडोलियस है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है जो बुके वगैरह में यूज़ होता है। इसका फ्लावर आपने नोटिस किया होगा, लंबे लंबे फ्लावर्स होते हैं, ये वही वाला फ्लावर है। इसके बल्ब से ये ग्रो होता है, वैसे मैं तैयार पौधा लाई हूँ, अब मैं इसके बल्ब्स नेक्स्ट ईयर के लिए रखूँगी, फिर उससे कई सारे जो है पौधे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए ये सिनरेडिया देसी वैरायटी, ये जो है आई थिंक ये डेजी है, अभी एक्चुअली बहुत छोटी छोटी पौध है तो मैं सबके मतलब मैं पूरी तरह से कंफर्म भी नहीं हूँ कि कौन सी है, जो बहुत छोटी पौध है, बाकी जो पॉलीथीन में लगी हैं वो तो मैंने आपको क्लियर बताया है। ये देखिए मैंने पॉट्स तैयार किए थे, उन्हीं में मैंने लगा दिए हैं सारे ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, इस तरह के सारे जो है। और जब आप ढेर सारे पौधे ख़रीद के लाते हैं तो गमले तो जाहिर सी बात है कि कम पड़ जाते ही हैं, तो फिर इसीलिए मैंने भी अब की बार जुगाड़ करके बहुत सारे पॉट्स तैयार किए हुए हैं। हमें मिट्टी के भी पॉट्स ख़रीदे हैं और अभी मुझे और भी ख़रीदने पड़ेंगे। ये देखिए इसमें मैंने अलाइसम लगाया है और ये जो बास्केट ख़राब हो जाती है उसमें मैंने लगाए हैं। ये देखिए ये स्टैंड आप देख सकते हैं जिसमें मैंने हैंगिंग्स लगाई हैं। ये मेरा एस्टर की पौध है और ये छोटी छोटी पौध मैं 1-1 रुपए की ये पौध लेकर के आई थी, मतलब 10 रुपए की उसने 10 पौध दी थी एक गड्डी में, तो उसमें एक गड्डी में 10 से 12 पौध थी। तो जो मैंने देसी वैरायटी में जितनी भी लाई हूँ वो 10-10 रुपए की थी। जैसे ये अलाइसम है, ये भी मैंने 10 रुपए की एक गड्डी थी तो उसमें 10-12 पौध थी, तो 5-6 पौध आपकी अच्छी निकल जाती हैं।
और कभी कभी पूरी पूरी अच्छी निकल आती हैं, लेकिन कम से कम 7-8 पौधे तो आपके अच्छे निकल ही आते हैं। ये मेरे देसी वैरायटी है गजानिया की, ये मैं जो बता रही हूँ आपको, मैंने 10-10 रुपए में मैंने बहुत सारी पौध खरीद ली थी कि मेरे पास फिर गमले कम पड़ गए, क्योंकि 10-10 रुपए में 10-10 पौधे थे और करीब 10-12 वैरायटी में लेके आई देसी वैरायटी सारी। हाइब्रिड अलग लेके आई हूँ, देसी अलग लेके आई हूँ। ये देखिए, ये भी सिनरेरिया की देसी वैरायटी है, और ये मैंने कलांचू लेकर के आई थी हाइब्रिड वैरायटी का, जो मेरा रूट रॉट हो गया था और पूरा पौधा मेरा मर गया था, तो मैंने उसकी कटिंग सारी लगा दी। तो ये बहुत छोटी छोटी मैंने एक एक 1.5 इंच की कटिंग लगाई थी, और ये देखिए मेरी सारी कटिंग्स लग गई हैं, आप देख सकते हैं ये मेरी सारी कटिंग्स लग गई हैं कि अब मेरे पास 4-5 पौधे इसके तैयार हो जाएंगे। हाँ, बस फ्लावरिंग थोड़ी लेट होगी इसमें, क्योंकि जो मैं पौधा लेके आई उसमें पानी जो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, और एक्चुअली दिवाली का टाइम था तो उसमें मैंने इतना ध्यान नहीं दे पाई मैं, तो पानी ज़्यादा हो गया था। तो फ्रेंड्स, आप भी ये सारे पौधे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। विंटर्स के बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये, और बहुत ही हार्डी प्लांट्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा केयर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आप भी ये पौधे नर्सरी से ले आइए, बहुत ही रीज़नेबल रेट्स हैं इनके, और उसको अपनी बगिया में ऐड कीजिए, और फिर देखिए कितनी सुंदर लगती है आपकी बगिया। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।